मुर्तजा जी, हमेशा हम आपसे पूछते हैं अबाउट द मूवीज़ कि क्या आने वाला है क्या नहीं, लेकिन आज मैं सबसे पहले जो सवाल आपसे पूछने वाली हूँ वो है सिनेमाटोग्राफ एक्ट में जो नया अमेंडमेंट आया है, तो आप उन अमेंडमेंट्स के बारे में बता सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं मेजरली जो इस एक्ट में की गई हैं? आई थिंक सबसे पहले तो मैं वेलकम करूँगा कि बहुत ही टाइमली है, क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड बहुत टाइम से थी कि कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। 1950 से लगातार जो चेंजेस आ रहे हैं इंडस्ट्री में, उसको किस तरह से आप उसमें डालेंगे सांचे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों पे बोल रहे थे कि चेंजेस होने चाहिए। शाम मैनेगल कमेटी भी बैठाई गई थी जिसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। तो अब जो ये अमेंडमेंट में चेंज आए हैं वो बहुत वेलकम हैं इंडस्ट्री द्वारा भी, और मुझे लगता है कि इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो पायरेसी के फील्ड में होने वाला है। आपको पता होगा फिगर्स के हिसाब से हर साल इंडस्ट्री को हमारी हज़ारों करोड़ का नुकसान हो जाता है, एंड रीजनल इंडस्ट्रीज में भी पायरेसी उतना ही बड़ा खतरा है जितना अगर हम मेन स्ट्रीम बॉलीवुड की बात करें। तो अब यहाँ पे जो है प्यूनिटिव जो एक्शन लिया जाएगा, फाइन इम्पोज किया जाएगा, पनिशमेंट इम्पोज किया जाएगा, तो आई थिंक दैट विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेटरेंट। साथ ही साथ अबेटमेंट के लिए भी ये प्रोविजंस हैं। तो कई बार क्या होता था, लोग बच जाते थे, सिनेमा हॉल्स कई बार इन्वॉल्व होते थे, कई बार स्टाफ इन्वॉल्व होता था, कई बार तो हमने CVFC से भी प्रिंट लीक होते देखा है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डेटरेंट का काम करेगा फाइन, और जो पनिशमेंट जो 3 साल की पनिशमेंट इसमें है, सो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड स्टेप। दूसरा एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो डिमांड भी हो रही थी कि जब एक फिल्म को सर्टिफाई करते थे तो उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी यूज्ड टू बी 10 ईयर्स, नाउ वो लाइफ लॉन्ग हो गई है, सो इट विल बी परपेचुअल नाउ। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग स्टेप, क्योंकि दिस इज नॉट अ ड्राइविंग लाइसेंस तो कि आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम रिन्यू कराना पड़े या पासपोर्ट। ये एक फिल्म है जिसको पूरा का पूरा बोर्ड बैठ के देखता है, उस समय के हिसाब से एक बार वो सर्टिफिकेशन हो गई तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि 10 साल के बाद आपको उसको दोबारा रीसर्टिफाई कराना पड़े। एक जो मुझे बहुत पसंद आई है चीज़, वो ये आई है कि जो UA कैटेगरी थी जो 12 ईयर्स तक रिस्ट्रिक्शन रहती थी कि 12 से नीचे एंड देन, तो उसमें इन्होंने क्या किया है, उसको अब सब कैटेगराइज कर दिया 3 अलग अलग पार्ट्स में। तो UA 7+, UA 13+, UA 16+। अब इसका एडवांटेज ये है कि पहले ये होता था कि सिर्फ आप 12 साल से जो नीचे के बच्चे होते थे उनके लिए पेरेंटल गाइडेंस चाहिए, पर कुछ ऐसा कंटेंट भी होता है जो आप मे बी यंग एडल्ट के लिए बना रहे हों, कई बार टीन कॉमेडी आती है, कई बार एडल्ट बेस्ड कंटेंट आता है फॉर यंग एडल्ट, तो 16 साल वालों के लिए भी आपको वो यूए वाली कैटेगरी लगानी पड़ती थी विच इज अनरिस्ट्रिक्टेड के साथ पेरेंटल गाइडेंस। तो अगर हम टेक अवेज की बात करें, चाहे हम फिल्म मेकर्स की बात करें या व्यूअर्स की बात करें, सो व्हाट आर द मेजर टेक अवेज? मेजर टेक अवे यही है कि जो इसका विस्तार हुआ है, जो ये हमारी जो यूए वाली कैटेगरी थी इसके हिसाब से अब कोई फॉरेन कंटेंट आता है। मैं एग्जांपल लेते हैं कि कोई ऐसा कंटेंट है जो 16+ के लिए रेकमेंडेड है, तो आप उसको उस हिसाब से रिकेटेगराइज कर सकते हैं कि UA 16+ में वो आ जाएगा। पहले नहीं आ पाता था, सीधा आप उसको एडल्ट में डालते या आप उसको उसमें डालते, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको सिर्फ 13 साल या उससे बड़े एज ग्रुप को दिखानी है वो। एक और बहुत अच्छी चीज जो मेरी बहुत फेवरेट है वो ये है कि अब रीसर्टिफिकेशन का प्रोविजन भी आ गया फिल्म्स का। आपको याद होगा कि हमेशा से एक प्रॉब्लम रहती है कि अगर कोई फिल्म अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो उसकी टेलीविजन पे व्यूइंग को लेकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। विद दिस न्यू प्रोविजन दैट CBFC कैन रीसर्टिफाई अ फिल्म आफ्टर अ री एडिट। तो एक मान लीजिए फिल्म है जिसका पूरा कंटेंट जो है यूए लाइक है, पर एक पर्टिकुलर सीन की वजह से उसको अनरिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी नहीं मिल पाती, तो नाउ दे कैन एडिट दैट सीन आउट और रीसर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CBFC कैन रीसर्टिफाई दैट, एंड इफ इट गेट्स अनरिस्ट्रिक्टेड दिस टाइम तो इट कैन बी टेलीकास्टेड ऑन टेलीविजन और एनी अदर प्लेटफॉर्म फॉर दैट मैटर। जी वाओ। तो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर जी का इस विषय में क्या कहना था, इस पर एक छोटी सी क्लिप देखते हैं। 22,000 करोड़ रुपए का चूना प्रतिवर्ष पायरेसी के माध्यम से फिल्म इंडस्ट्री को लगाती है, उसको रोकने के लिए और अन्य संशोधन करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाने के लिए हमने सिनेमाटोग्राफ बिल 2023 पास किया है। इसके अंतर्गत एक तो CBFC के पास जो अधिकार है फिल्म को अनुमति देने के, उसको रिविजन की पावर अब सरकार के पास नहीं रहेगी, हमने वो तय कर दिया है। और जो फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन, स्पॉट बॉय, मेकअप आर्टिस्ट, डांसर, कोरियोग्राफर से लेकर सब हैं मेकअप आर्टिस्ट तक, इन सबको इसका लाभ मिलेगा। सिनेमाटोग्राफ एक्ट के आने से फिल्म इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा। मैं मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और उनकी सोच के कारण हम ऐसा बिल ला पाए जिससे कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बल मिलेगा।